दर्द सुन लिए, खुशी सुन लिए, जो भी सुनना था थोड़ा। अब एक कविता है, मैं देशभक्ति कविता है वो सुनाना चाहूँगा। वैसे मैं संगीत का टीचर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा गा के बताऊँगा। और एक चीज, अगर आप लोग तक ये पंक्ति पहुँचे तो बताइएगा, बताइए कैसे, ताली बजाइएगा। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की तो हिंदुस्तान बदलेगा। बार बार आवाज उठता है कि ये देश किसका है, तो इन चार पंक्तियों से मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में देश किसका है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल कि यह उद्देश्य होता है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल कि यह उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। और ये अगली पंक्ति से प्रूफ भी हो जाएगा कि जो देश को समझता है देश उसी का होता है। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। उसे पूजा। और ये अगली जो चार पंक्ति है बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। कोई जरा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालो, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। अंतिम चार पंक्तियां हैं और इसमें एक मतलब चाहता क्या है लड़का, यानी जो मैं कहना चाहता हूँ। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बालक मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी विवेकानंद हो
जाए। धन्यवाद।